वेल गाइस, तो फाइनली AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो का मेन इवेंट ओवर हो चुका है और आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर AEW का TNT चैंपियनशिप नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर एडम कोपलैंड आज उनका TNT चैंपियनशिप ब्रोडी किंग के साथ नो DQ मैच में डिफेंड करते गए। और क्योंकि ये मैच नो DQ होता है तो आज इस मैच के अंदर भरपूर वेपन का यूज होता है, जहां पर इस मैच के ओपनिंग के कुछ ही मिनटों के अंदर ब्रोडी किंग के एडम कोपलैंड के रिंग एरिया पर बिट डाउन करने के बाद वो यहां पर इस मैच को जीतने का अटेम्प्ट करते गए। बट गाइज, एडम कोपलैंड चेयर शॉट के साथ ब्रोडी किंग को रिंग के बाहर फेंक देते गए और इसके बाद आज इस मैच के अंदर ब्रोडी किंग बुरी तरह से बस्टेड ओपन हो जाते गए, जिसके बाद के मैच के एंडिंग के ऊपर कोपलैंड उनके स्पीयर के साथ ब्रोडी किंग को बीट करके मैच को जीतकर TNT टाइटल रिटेन करते गए। बट मैच के ओवर होते ही ब्रोडी किंग यहां पर कोपलैंड पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद की काइल ओरायली रिंग के अंदर आकर आज यहां पर ब्रोडी किंग से एडम कोपलैंड को सेव करते गए। वेल, AEW के डायनामाइट पर शानदार TNT चैंपियनशिप मेन इवेंट के बाद शो के एंडिंग पर ऊपर दी इलीट अरीना में अराइव होती गए और यंग बक्स यहां पर केनी ओमेगा के एनार्की इन द अरीना मैच को लेकर बात करते गए, जहां पर यंग बक्स ये क्लियर करते गए कि उन्हें यहां पर कोई भी बीट नहीं कर सकता है। वेल, यंग बक्स का प्रोमो चल ही रहा होता है तभी टीम AEW के तरफ से FTR अरीना में अराइव होती गए और FTR के बाद फाइनली हमें ये पता चलता है कि वो दो कौन से रेसलर है जो AEW के डबल नथिंग पे-पर-व्यू के ऊपर एनार्की इन अरीना मैच के अंदर FTR को टीम AEW में ज्वाइन करेंगे। वेल, ये दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार मैट किंग, एडी किंगस्टन और अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियसन होते गए और AEW के डायनेस्टी पे-पर-व्यू पर ऑस्प्रे से हारने के बाद पहली बार AEW के अंदर आज ब्रायन उनका रिटर्न करते गए, जिसके बाद की शो के एंडिंग के ऊपर टीम AEW और इलीट के बीच में बड़ा ब्रॉल होता है।